नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। সেটা নিয়ে আমরা 5 সেপ্টেম্বর একটা টিচার ডে শিক্ষক দিবস করেছিলাম এবং সেটিতে আমরা রবিদাকে মধু ফাউন্ডেশন মানে ইনভাইট করেছিলাম। তো উনি যেতে পারেননি বিশেষ কারণে, ওনারও প্রোগ্রাম ছিল এখানে। তো তাই আমরা আজকে এসেছি ওনাকে আমাদের মানে খুবই ছোট্ট একটা মেমেন্টো ওনাকে মানে একটা স্মারক মানে দিয়ে সম্মানিত করবার জন্য। বাস এইটুকুই, আর আমাদের যেন মানে সাপোর্ট করতে পারে, রবিদা যেন আমাদেরকে সাপোর্ট করে এইটুকুই চাই। বাচ্চাদেরকে ভালো করে গান বাজনা নাচ আবৃত্তি সংস্কৃতি পুরোটাই, তো এইগুলাই শেখাবার চেষ্টা করছি, আরও যেন এগিয়ে যেতে পারি এইটুকুই রবিদার একটু সাপোর্ট চাই, এই জন্যই আমরা ইয়ে করেছি। বাস মেরা নাম রবিশঙ্কর চৌবে হ্যাঁ, আর মে বিগত 12 বর্ষ সে কুলটি মদদ ফাউন্ডেশন কে মাধ্যম সে সামাজিক গতিবিধি কো এক নয়া আয়াম দে রা হু কুলটি মে আপনি সামর্থ্য অনুসার। আর উদ্দেশ্য ইয়ে হ্যাঁ কি কন্যা গুরুকুল কা আরম্ভ হোনে কা এক হি কারণ হ্যায় কি হামারে গ্রামীণ পরিবেশ কে যো মহিলায় হ্যায় যো বচ্চিয়া হ্যায় উনকো সুচারু রূপ সে শিক্ষা কেসে দিয়া যায়। ইসকে লিয়ে হামনে কন্যা গুরুকুল কো কেবল গ্রামীণ ক্ষেত্র কি মহিলাও কে লিয়ে আদিবাসী ক্ষেত্র কে মহিলাও কে লিয়ে হি কিয়া গয়া হ্যায়। অ্যাডভান্স কে লিয়ে হামারে শহরো মে বিভিন্ন তরহ কে ক্রিয়াকলাপ চলতে হ্যায়। यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि भाषा का ज्ञान हो, शिक्षा का ज्ञान हो, साहित्य का ज्ञान हो, हमारे बच्चों तक नहीं पहुँच पा रहा, गाँव के बच्चियों को हम पिछड़ रहे इस क्षेत्र में। हम स्कूलों में तो जाते हैं, स्कूलों में पढ़ाई होती है, मगर ग्रामीण क्षेत्र की जो बच्चियाँ हैं थोड़ी सी पिछड़ रही हैं, उसको कैसे हम सामाजिक रूप से मुख्य धारा में लाएँ और उसको शिक्षा के माध्यम से कैसे उन्नत बनाएँ और समाज में उसको एक मुकाम हासिल कराएँ, इसके लिए हमारी पूरी टीम एक काम कर रही है। कन्या गुरुकुल के माध्यम से हमने एक यहाँ पर कक्षा पाठशाला शुरू किया है। इसमें शिक्षा का ज्ञान के साथ साथ आपको आत्मनिर्भर स्वनिर्भर बनने के लिए बहुत सारे कुटीर उद्योग का भी हम लोग आरंभ किया है। गीत है, संगीत है, भाषा है, सब चीज़ भाषा, क्योंकि एक दूसरे के भाषा का हम लोग आदान प्रदान कैसे करें, जैसे बंगला है तो उर्दू कैसे सीखेगी, इंग्लिश है तो हिंदी कैसे सीखेगी, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद बहुत सारी बच्चियों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में नहीं जा पाती हैं, तो अंग्रेजी कैसे सिखाएं उनको, तो इस तरह का हमारा छोटा छोटा मैंने माइक्रो सोशल सिस्टम को हम लोग डेवलप करने का एक प्रयास कर रहे हैं। और ये विगत एक महीने पहले हमने शुरू किए हैं। इसके अलावा हमें कुलटी मदद फाउंडेशन बहुत सारे महिला प्रशिक्षण केंद्र हमारी चल रही है, कुलटी बराकर आसनसोल में नियामतपुर में, इसके अलावा ये विशेष पाठशाला कन्या गुरुकुल। इसके अलावा हमारा एक और प्रोजेक्ट है सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन का प्रोजेक्ट में क्या होता है कि बहुत सारे आजकल हमारे घर में जो माहौल है कि बुज़ुर्गों को सम्मान नहीं मिलता है, हम सभी का नाम नहीं ले रहे हैं, कुछ घर ऐसा है कि जहां बुज़ुर्गों को सम्मान नहीं दिया जा रहा, उसके लिए भी हमारी एक प्रोजेक्ट चल रही है ओल्डेज एंटरटेनमेंट सेंटर। उसमें क्या है कि हम लोगों ने एक आश्रम के माध्यम से यहाँ पर जितने भी बुज़ुर्ग हैं मोहल्ले के, चाहे स्त्री हो पुरुष हो महिला हो, उनके लिए सबसे बड़ा स्वास्थ्य के लिए जैसे ब्लड प्रेशर चेक करना है, ब्लड टेस्ट करना है, थोड़ा सा मेडिकली उसको ट्रीटमेंट देना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा बैठने के लिए उनको उचित स्थान जैसे पंखा लगा दिया गया है, ताकि वो घर से जो घर में जो माहौल है, आज के दौर में क्या होता है कि हमारे घर में बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग जो होते हैं वो अपने मुताबिक टीवी का प्रोग्राम देखते हैं तो बुज़ुर्गों को नहीं देख पाते हैं, उनके लिए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर यदि बैठते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे टीवी लगा देंगे, उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ व्यवस्थाएं कर देंगे, ताकि अपना बाकी का ज़िंदगी जो बुज़ुर्ग हैं वो बेहतर ढंग से जी सके। और हमारे सोसाइटी में एक्चुअली बुज़ुर्ग होते हैं हमारे बट वृक्ष की तरह होते हैं, क्योंकि उनके छाया में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आज बुज़ुर्गों का हमारी जो परिस्थिति है देश में बहुत ख़राब परिस्थिति है, इसलिए हम बुज़ुर्गों का बुज़ुर्ग सम्मान कार्यक्रम के माध्यम से हम यहाँ पर एक कार्यक्रम चला रहे हैं, तो उसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ गुरुकुल सांस्कृतिक प्रतिष्ठान कुलटी का, एक बहुत ही नामचीन संस्थान है यहाँ का, जो बच्चों को सांस्कृतिक उत्थान के लिए काम कर रही है, बच्चों में गीत संगीत की जो भावनाएँ हैं, आज हमारे कल्चर थोड़ा सा आधुनिक कल्चर में हम लोग जो जी रहे हैं उसे थोड़ा सा हट करके जो क्लासिकल बेस है हमारे भारतीय संस्कृति का उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। और धन्यवाद देते हैं पूरी टीम का जो आए हुए हैं गुरुकुल सांस्कृतिक
प्रतिष्ठान से। आज चूँकि 5 सितंबर को हम नहीं पहुंच पाए थे किसी कारणवश, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस संस्थान के लिए। तो उन्होंने आकर के एक मोमेंटो दिया है, इसके लिए बहुत मैं आभारी हूँ कि मेरे जैसे कुछ लोग, जैसे छोटे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मैं समाज के छोटा सा कर्मी हूँ, समाज सेवा का एक छोटा सा काम करता हूँ, और उनको लगा कि मुझे सम्मानित करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनको, और भविष्य में भी आशा करता हूँ कि अपने काम के बेहतर काम करके समाज में अपनी एक अलग छवि बना करके समाज को कुछ दे सकूँ।